हेलो इंजीनियर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग अड्डा। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम हाईवे और एक्सप्रेसवे के बीच में मेजर डिफरेंस जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि एक्सप्रेसवे और हाईवे किस तरीके से आपस में डिफरेंशिएट है, तो इसी चीज़ को हम चार इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बेस पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि एक्सेस कंट्रोल के बेस पे और लेवल्स के बेस पे कि हाईवे और एक्सप्रेसवे किस तरीके से डिफरेंशिएट है एक दूसरे से, टेक्नोलॉजी के बेस में किस तरीके की टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पे यूज़ की जाती है, और मैनेजमेंट अथॉरिटी के बेस पे कि कैसे जो है मैनेजमेंट अथॉरिटी जो एक्सप्रेसवे में प्रोवाइड की जाती है और जो हमारा हाईवे है उसमें किस तरीके की जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो होती है। तो अगर आप पहली बार आए हैं इस यूट्यूब चैनल पे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें सिविल इंजीनियरिंग अड्डा को। यहाँ पर आपको सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर लेते हैं हाईवे और एक्सप्रेसवे के बीच में जो बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो हाईवे नॉर्मल रोड होता है जो इंटरनल सिटी रोड से ज़्यादा स्पीड पर किन्हीं भी दो या दो से ज़्यादा शहर में लोगों को ट्रांसफ़र करता है, जबकि एक्सप्रेसवे स्पेसिफिकली किन्हीं भी दो शहरों के बीच में बनाया जाता है। हाईवे में लोअर नंबर ऑफ़ लेन्स की कोई लिमिट नहीं होती जो कि दो या चार लेन्स की बनाई जाती हैं, जबकि एक्सप्रेसवे में मिनिमम 6 लेन के साथ बनाया जाता है और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लेन्स की एक्सप्रेसवे में कोई लिमिट नहीं होती। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ मेजर फैक्टर्स जिसके बेस पे हाईवे और एक्सप्रेसवे को डिफरेंशिएट किया जाता है। सबसे पहले हमारा एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, जैसे कि हाईवे मोस्टली ग्राउंड लेवल पर होते हैं और जो भी रोड इसके आसपास से गुजरते हैं वो कहीं भी हाईवे से कनेक्ट हो सकते हैं, इसलिए हाईवे में कहीं भी एंट्री बैरियर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा और कई सारे अलग अलग जगहों में हाईवे को कनेक्ट किया जा सकता है। लेकिन एक्सप्रेसवे बिल्कुल भी ऐसा नहीं होते। एक्सप्रेसवे में बहुत ही स्पेसिफिक जगहों पर ही एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, और एक्सप्रेसवे में ये भी कंट्रोल किया जाता है कि किस तरह की गाड़ी एक्सप्रेसवे पर एंट्री करेंगी। पूरे इंडिया में किसी भी एक्सप्रेसवे पर टू व्हीलर्स अलाउड नहीं होते, कहीं पर भी आपको टू व्हीलर्स बाइक्स वगैरह आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी, और कई 100 किलोमीटर में ही जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स बनाए जाते हैं। इसके कारण कौन सी गाड़ियां एक्सप्रेसवे पर जा रही हैं ये कंट्रोल किया जा सकता है, और इसी के साथ वे में एक्सप्रेसवे में कंट्रोल किया जा सकता है एक्सीडेंट्स को। सेकंड हमारा मेजर फैक्टर है जिसके बेस पे एक्सप्रेसवे और हाईवे को डिफरेंशिएट किया जाता है, वो हमारा लेवल्स। लेवल्स जो एक्सप्रेसवे में जो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर उठाए जाते हैं जिससे इंटरसेक्शंस को अवॉइड किया जा सके, और इसके कारण एक्सप्रेसवे में कई लंबे लंबे स्ट्रेचेज होते हैं जो कि कई किलोमीटर्स तक फ्लाईओवर की तरह दौड़ते हैं, जबकि हाईवेज आपको ग्राउंड लेवल पर ही देखने के लिए मिलेंगे। थर्ड मेजर फैक्टर के बारे में बात करें जो कि है टेक्नोलॉजी, जिसमें कि हाईवे सिर्फ एक रोड होता है जो नॉर्मल रोड की तरह होते हैं, सिर्फ थोड़े बड़े और हाई क्वालिटी के बनाए जाते हैं, जबकि एक्सप्रेसवे में स्पीड डिटेक्शन टेक्नोलॉजी, हाई टेक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, जबकि हाईवे में कुछ भी ऐसा अवेलेबल नहीं होता है। और फोर्थ मेजर फैक्टर है हमारा मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसके बेस पे एक्सप्रेसवे और हाईवे को डिफरेंशिएट किया जाता है। हाईवे को सीधे सीधे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जबकि एक्सप्रेसवे को कंट्रोल करने के लिए एक सेपरेट कम्युनिटी बनाई जाती है जो कि लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी बनाई जा सकती है या कम्प्लीटली सेपरेट उसको बनाया जा सकता है, जिस तरह से यमुना एक्सप्रेसवे के लिए एक बिल्कुल ही अलग सेपरेट बॉडी बनाई गई है जो कि एक्सप्रेसवे को कम्प्लीटली सेपरेट तरीके से कंट्रोल करती है, और द्वारका एक्सप्रेसवे भी बिल्कुल सेपरेट बॉडी है जो कि पूरे एक्सप्रेसवे को मैनेज करती है। तो इन फोर फैक्टर्स के हेल्प से हमने काफ़ी इजीली तरीके से जो डिफरेंशिएट किया एक्सप्रेसवे और हाईवे को, तो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली होगी एक्सप्रेसवे और हाईवे से रिलेटेड इस वीडियो के थ्रू। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली होगी, और अगली बार आप जब भी नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवे पर ट्रैवल कर रहे हो तो इस नॉलेज के बेस पर आप पता लगा सकते हैं कि आप नेशनल हाईवे पर ट्रैवल कर रहे हैं या एक्सप्रेसवे पर ट्रैवल कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें सिविल इंजीनियरिंग अड्डा को। मैं यहाँ पर रेगुलर सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड कंटेंट बनाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।